मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कोरबा के राजेंद्र प्रसाद नगर फेस वन दशहरा और कटघोरा के कंवर समाज भवन में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। योजना अंतर्गत दोनों स्थानों पर 125 वरवधु के जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे और सुखमय जीवन का संकल्प लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व और आपदा प्रबंधन पुनर्वास पंजीयन और स्टाम्प मंत्री जय सिंह अग्रवाल और सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत सहित अन्य अतिथियों ने सभी वरवधुओं को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। राजस्व मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, यह खुशी की बात है कि आज जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज का पालन करते हुए सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा रहा है। किसी भी गरीब परिवार के लिए बेटी का विवाह करना बहुत चुनौती से भरा होता है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ कर गरीब परिवारों को चुनौती को दूर करने के साथ उन्हें कर्ज में बोझ में दबने से बचाया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विगत 4.5 साल से जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सभी वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। पात्र हितग्राही शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं। शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 25,000 रुपए के स्थान पर 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसका लाभ आने वाले समय में जरूरतमंद लोगों को मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष ज्योत्सना चरण दास महंत ने कहा कि मुख्यमंत्री गरीबों और महिलाओं के बारे में बहुत सोचते हैं, इसलिए राज्य के किसान मजदूर गरीब परिवार सहित अन्य जरूरतमंद लोगों की शादी की चिंता को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही है, जिसका लाभ सभी जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। पहले जब घर में लड़की पैदा होती थी तब चिंता के साथ कर्ज का बोझ लग जाता था, सामाजिक कुरीतियों और परंपरा के नाम पर खेत घर जमीन बिक जाती थी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन कर एक सार्थक योजना प्रारंभ कर क्रियान्वित की जा रही है। जो बेटी आज बहू बनकर किसी के घर में जा रही है, उन्हें अपनी बेटी मानकर घर में सम्मान दे। कटघोरा में आयोजित कार्यक्रम में भी सांसद महंत कटघोरा, विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार विधायक मोहित राम किरकेट्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष शिव कला कंवर, खाद्य आयोग के सदस्य हरीश परसाई, महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय, गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के सदस्य डॉक्टर शेख इश्तियाक आदि ने आशीर्वचन के साथ सभी जोड़ों को विवाह के बंधन में बंधने की बधाई व शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत व सांसद महंत ने नव दंपति जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए भेंट स्वरूप भगवान जय सियाराम के दरबार भेंट की, सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की है। इस दौरान जनप्रतिनिधिगण, महिला और बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी प्रीति खोखर चखियार सहित अधिकारी कर्मचारी तथा आम नागरिकगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कोरबा में 51 और कटघोरा में 74 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इससे पूर्व सामूहिक विवाह में महिला बाल और विकास विभाग द्वारा बैंड बाजे के साथ बारात निकाली गई और आतिशबाजी की गई। अधिकारियों द्वारा वर का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुए विवाह में मुड़ापार निवासी दिव्यांग बोटलाल चौहान ने ग्राम डुमर भाटा की यशोदा से शादी रचाई। उन्होंने योजना को लेकर खुशी व्यक्त करते हुए गरीब परिवारों को इसका लाभ उठाने की अपील की। बोटलाल बतावे, आज तो शादी हुई से सामूहिक विवाह से कतका खुशी होते और सरकार की योजना कैसे लगा तुला? अच्छा लगा थे, सरकार है ये योजना ला खोल के बहुत बढ़िया करे, हमन गरीब आदमी मन मानव सेवा समिति सरकार हमारे बढ़िया है प्रदान कर रहे हैं और वजह से योजना निकले है जो मुख्यमंत्री योजना के तहत हम उनके विवाह होते गरीब आदमी मन के जोड़ों का सरकार पंजीयन होता है या जो भी प्रमाण पत्र है उनके घर द्वार पर जाती जाती है। मैं सरकार ला ये शादी करवाए की वजह से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आज सुंदर मंदिर भी मिले योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़ों का पंजीयन करने के लिए टीम गरीब परिवारों के लिए वरदान बनती जा रही है। इस योजना को राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत प्रति कन्या राशि रुपए 25,000 रुपए का व्यय का मापदंड निर्धारित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहयोग राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य शादीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना, सामाजिक स्थिति में सुधार लाना तथा विवाह में दहेज के लेन देन का रोकथाम करना भी है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री और सांसद सहित अन्य अतिथियों ने सभी वर वधुओं को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा पोषण पखवाड़ा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। जिले में पोषण पखवाड़ा का आयोजन 20 फरवरी से 3 अप्रैल तक किया जा रहा है। पोषण पखवाड़ा का आयोजन कर किशोरी बालिका, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती महिलाओं हेतु मिलेट्स, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, श्री अन्न जो आयरन का स्रोत है, जो माता और बच्चे के बेहतर विकास में कारगर है, के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम यहाँ कोरबा जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया है, मैं इसके लिए सभी वर वधू को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, उनके परिजनों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही ये हमारी सरकार की योजना बहुत पवित्र कार्य के लिए है कि लोगों के बहुत से लोग ब्याह शादी करने में बहुत सी आर्थिक जो अड़चने आती हैं उनको दूर करने के लिए, लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है। और अभी जो एक शादी में 25,000 रुपया सरकार की तरफ से जो खर्च किया जाता है, आने वाले समय में हम लोग अभी कैबिनेट में पास कर चुके हैं, विधानसभा में पास कर चुके हैं, आने वाले समय में वो 25 की जगह 50,000 रुपया एक विवाह में खर्च किया जाएगा।